नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां रायपुर से आ रही है, जहां किन्नरों की बारात निकाली जा रही है। धूमधाम से किन्नरों की बारात निकली है। 15 किन्नर शादी करने जा रहे हैं। रायपुर के अंबेडकर भवन से ये बारात निकली है। शादी स्थल तक किन्नरों की बारात जाएगी। धूमधाम से किन्नरों की बारात निकली और 15 किन्नरों की शादी यहाँ पर होने वाली है। रायपुर के अंबेडकर भवन से ये बारात निकली और शादी स्थल तक किन्नरों की बारात जाएगी। पहली बार आप देख रहे हैं किन्नरों की बारात, जो कि अंबेडकर भवन से निकली है और शादी स्थल तक ये जाएगी। 15 किन्नर यहाँ शादी करने जा रहे हैं, जो बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से हम बता रहे हैं। आपने शायद ही पहले कभी ऐसा देखा हो जहाँ किन्नरों की बारात निकली हो, लेकिन हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि रायपुर में किन्नरों की बारात निकाली गई है। अंबेडकर भवन से ये बारात निकली है। 15 किन्नर जो शादी करने जा रहे हैं, उनकी धूमधाम से बारात निकाली गई है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये रायपुर से हैं और शायद पहली बार आपने ऐसा देखा होगा। इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा कि किन्नर की बारात यहां पर निकल रही है और ये हंसते गाते मस्ती करते किन्नर, क्योंकि शादी होने जा रही है। 15 किन्नर ऐसे हैं जो वैवाहिक संबंध में बनने जा रहे हैं। बारात से पहले जो रस्में निभाई गई, ये वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जैसे आम तौर पर बारात निकलने से पहले मेहंदी संगीत होता है, वैसे ही किन्नरों का जश्न आप यहां पर देख सकते हैं। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, पहली बार यहां पर देखा गया है किन्नरों की इस तरह से बारात निकाली गई, धूमधाम से ये बारात निकाली जा रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, अंबेडकर चौक अंबेडकर भवन से रवाना हुई है बारात, और ये बारात आप देख सकते हैं, ये दूल्हे हैं, ये दूल्हे सामान्य युवक नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, उन लोगों को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश की है जो समाज शायद जिन लोगों से दूर भागता है। देखिए बहुत विहंगम दृश्य है, इसके पहले ऐसा दृश्य पूरे देश ने कभी नहीं देखा होगा। मेरे साथ एक दूल्हे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जो घड़ी के लिए मैंने इतने दिनों से इंतजार किया, आज आप लोग देख सकते हो घड़ी आ गई है। मैं घोड़ी पे बैठ के अपने दुल्हन को लेने जा रहा हूँ, और क्या कहूंगा, इतनी खुशी है कि बता नहीं सकता। 15 घोड़ी एक साथ, 15 दूल्हे एक साथ यहाँ से बारात निकाली जा रही है। आप लोग माहौल देख सकते हैं, यहाँ का माहौल, इतनी खुशी सबके चेहरे। बच्ची को गोद भी लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, हमने एक बच्ची को गोद भी लिया है। उड़ीसा संबलपुर से मैंने बच्ची को गोद लिया था। बच्ची 1 महीने की थी जब हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया था। आज बच्ची 5.5 साल की है और बहुत खुशी है हम लोगों को। आज हम लोग जा रहे हैं पुजारी पार्क में, हम लोग फेरे होंगे। हम लोग बस इतनी जल्दी है कि हम लोग कितनी जल्दी पहुंच जाए वहां पर, इतनी खुशी है चेहरे पर, बता रहे हैं। तमाम दूल्हे हैं, उनके पास भी लिए चलूंगा आपको। आप देख सकते हैं बारात का पूरा दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा, किस तरह ये बारात का दृश्य है, और हर कोई की निगाहें इस बारात के दृश्य को देखना चाहती है। क्योंकि देखिए ये पल जो है हर किसी के लिए देखने को नहीं मिलता। रायपुर राजधानी में रहने वालों के लिए भी पहली बार ये पल है जो जिसमें वो सहभागी बन रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कुछ लोग और भी, ये देख सकते हैं तमाम किन्नर जो साथ में, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा जी। इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आई है? इंदौर MP। कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर? बहुत 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 ज्यादा खुशी हो रही है। कहाँ से आई है आप? मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम संध्या है। और भी कुछ लोगों से मैं बात करता हूँ, आप कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? हम गुजरात से है। कितनी खुशी हो रही है आज इस समारोह में शामिल होते? काफी खुशी है आज के समारोह में। कितने लोग आ रहे हैं? हमारे यहाँ से 20 लोग हैं और 2 जोड़ी है। 2 जोड़े भी है। देखिए अब सीधा मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है, और शायद वो दृश्य देखकर आपको लगेगा कि वाकई में कितने ज्यादा खुश है ये इस शादी को लेकर। तमाम इनकी पूरी कम्युनिटी आज यहाँ पर जुटी हुई है। तमाम लोग इनसे बात कर, कितनी खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है यास्मीन जी आज? बहुत खुशी हो रही है, दिल से बहुत खुशी हो रही है। और जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दिल से हमारा धन्यवाद, वी लव यू ऑल। कितनी खुशी हो रही है आपको? कहां से? बहुत ज्यादा, बता नहीं सकती शब्दों में, कोई बयान नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। देखिए तमाम लोगों की खुशी।
महिला देखिए इनका पारंपरिक नृत्य है, यहाँ पर जितनी खुशी है इजहार कर रहे हैं, पूरा शहर देख रहा है इनकी खुशी में और शहर शामिल। शाही अंदाज में किन्नरों की शादी यहाँ पर हो रही है और धूम धड़ाका किस तरह से ये भी हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जहाँ गानों पर डांस किया जा रहा है, बारात यहाँ पर निकाली जा रही है। आदित्य आदित्य मैं चाहता हूँ आप एक सवाल यहाँ पर जो मौजूद हैं उन लोगों से आप पूछें कि अभी तक देखा जाता था कि किन्नरों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब समाज की मुख्य धारा से ये लोग जुड़ रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है और अब बारात भी यहाँ पर निकाली जा रही है, तो इनको क्या लगता है कि समाज में परिवर्तन आ रहा है सोच में? क्या आपको लगता है कि समाज में परिवर्तन आ रहा है? पहले बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या आपको लगता है समाज में परिवर्तन आ रहा है पहले और अलग? जी बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत बहुत आ रहे हैं। अब ये हुआ इसके बाद सब लोग ये देखेंगे समाज उसके आगे और हमारे लिए डेवलप्ड होएगा और हम चाहते कि होना चाहिए। ये देखकर जिसको नहीं मालूम है वो भी समझे और खुशी आए हमारे समाज में, हम लोग एक्सेप्ट करें। यास्मीन जी हैं, इनकी गुरु हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जो सवाल आपने किया है यास्मीन जी, लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है ऐसा लग रहा है? हाँ, समाज पूरी तरीके से बदल रहा है और समाज पूरी तरीके से हमको एक्सेप्ट कर रहा है, इसके लिए समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल से बहुत खुश हूँ, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है कि किन्नरों की शादी हो रही है और बाकायदा देखिए पूरे दूल्हे यहाँ पे तैयार हुए हैं, पूरे सहेलियाँ यहाँ पे नाच रही है और बहुत सारा माहौल है खुशी का यहाँ पे। कम से कम अब ये है कि समाज को पूरी रीति से हम लोग को अपना रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कहीं धोखा नहीं होगा, कहीं धड़ी नहीं होगा, कम से कम जिंदगी हमारी अच्छे से चलेगी। जो लिविंग रिलेशनशिप होता था, बहुत सारे लोग रहते थे जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, आज वो पूरा अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं, उनके हस्बैंड उनका हाथ पकड़ रहे हैं, साथ में माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सबका एक्सेप्टेंस है। मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य एक सवाल और, जैसे अभी तक देखा जाता है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, सरकार की तरफ से काफी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब ये लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार भी ऐसे कुछ सम्मेलन चलाएगी और ऐसी कुछ और नई योजनाएं बनाएगी जो किन्नरों के हित में हो? बिल्कुल, देखिए इनकी जो आयोजक है विद्या जी, मैं उनसे बात करता हूँ। विद्या जी, मेरा सवाल था आपसे, सरकार जो है महिलाओं की बच्चियों की शादी की योजनाएं चलाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों की भी योजनाएं चलानी चाहिए सरकार को? इधर आ जाइए। 101% योजना चलानी चाहिए क्योंकि हम भी महिलाएं हैं और हम भी जिस तरह की योजनाएं आपके लिए भी शुरू करनी चाहिए सरकार। अभी जो नीति बन रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें ट्रांसजेंडरों के लिए विवाह की योजना के बारे में लिखा गया है, अगर वो नीति फाइनल होके आती है तो जो महिलाओं को सुविधा दी गई है शादी के लिए वो हमारे को भी मिलेगा। तो ये और क्या उम्मीद करते हैं, समाज बदल रहा है ऐसा लग रहा है क्योंकि आपके प्रयास है जिससे तमाम चीजें हो पाई है? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी बहनों को जॉब, अगर हमें जॉब में आरक्षण मिल जाएगा तो बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आज की शादी को जो तमाम प्रयास आपने किए, किस तरह से देख रही हैं? बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है और ये विश्व में पहली बार हो रहा है, मुझे लगता है इससे समाज की सोच बदलेगी। ठीक है, तो देखिए समाज की सोच बदलने की बात यहाँ पर की गई है और लगभग लगभग 2 महीने से ज्यादा मेहनत यहाँ पर की गई है। विद्या जी, ये बारात यहाँ से कहाँ जा रही है? अभी ये अम्बेडकर भवन से पुजारी पार्क जा रही है। यहाँ पर कितने जोड़े सम्मिलित हो रहे हैं और तैयारियाँ किस प्रकार से हुई थी?
यहाँ पे 15 जोड़े हैं और 7 राज्यों से हैं और तैयारियां हल्दी मेहंदी सब कुछ हो गया। अभी बारात जाएगा, बारात स्वागत है, फिर 7 फेरे होंगे और वरमाला होगा, फिर रिसेप्शन है। मैं आप लोगों की कल वो मेहंदी और बारात वो शाम को जो संगीत की संध्या होती है उसमें भी शामिल हुआ था। उत्साह काफी नजर आ रहा है इन लोगों ने, इनका कहना है कि पहली बार वो देखने को मिल रहा है जो शायद कभी नहीं देखा। ये अंदर है जो आज बाहर दिख रहा है। हम सबको जीवन साथी चाहिए था और ये जीवन साथी जो रियल हीरो है, ये लोग समाज के सामने आके एक किन्नर का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का जो नजरिया है, सोच है, वो बदलेगा। आप समाज के रियल हीरो हैं, सब कह रहे हैं। बात कही मैं, अब आप लोगों की थैंक यू बोलना चाहिए, जो हमारी किस्मत है, जो एक सब क्या बोले, अब कोई तमन्ना नहीं है खुशी की, बस तमन्ना है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी मन में। अब देखिए कुछ और रियल हीरोज हैं हमारे साथ, आप भी इस दुनिया के, आपको भी लोग रियल हीरो कह रहे हैं कि आप रियल हीरो हैं। क्या बोलूंगा, हो रही है। क्या लगा था कि ये इतना बड़ा चैलेंज था, घर वालों को मनाना, समाज वालों को मनाना, कैसे मना पाए? थोड़ी मुश्किल हुई पर मना लिया। कहाँ हो रही शादी आपकी? यहाँ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शादी है। और भी कुछ रियल हीरोज हैं, आप भी रियल हीरो हैं, अपने आप को मानते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हो। कैसे प्यार परवान चढ़ा? बस फेसबुक से मिले थे हम लोग, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, फोन पे, बस धीरे धीरे पास में आ गए। 5 साल हो गया आज, बस शादी करने जा रहे हैं आज। बहुत खुशी है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। घर वालों को कैसे मना पाए? मेरे परिवार आया है, मेरे दीदी लोग आए हैं पंजाब से, मैं पंजाब से हूँ, सतनाम से। जी जी। ये आयोजन कैसा लग रहा है आपको? शायद देश में पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो पहली बार हो रहा है, तो दुनिया एक इतिहास बन के रह जाएगा ये। बिल्कुल। कुछ और भी रियल हीरोज हैं, आपको किस प्रकार की, कितनी खुशी महसूस हो रही है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। कहाँ के रहने वाले? इंदौर। इंदौर। इंदौर के रहने वाले, क्या बात है। ये आज अपनी दुल्हनिया लेकर जाएंगे आप? बिल्कुल लेके जाएंगे। कहाँ की है दुल्हनिया आप? इंदौर की होगी। इंदौर की होगी जी। देखिए इंदौर से भी दूल्हे आए हैं अपनी दुल्हनिया लेने के लिए। आप कहाँ से भाई साहब? रायपुर से। रायपुर से ही हैं आप? अपनी दुल्हनिया कहाँ से लेने आए? रायपुर से ही लेके। और मैडम कहाँ की आप? रायपुर की। रायपुर की है। तो क्या पहले घर वाले तैयार हो गए थे? काफी प्रयास करना पड़ा था आपके लिए। प्रयास करना पड़ा सर। क्या बोले घर वाले? एक्सेप्ट नहीं है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन भी अब हम तैयार हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। सही बात। कुछ और भी रियल हीरोज है मेरे साथ, उनसे मैं बात करता हूँ। एक मिनट, मैं इनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। आप कहाँ से? रायगढ़ से। रायगढ़ से। कहाँ की दुल्हनिया आपकी? रायगढ़ से। रायगढ़ से ही है। खुशी थी यहाँ पर? पहले से पता था शादी हो पाएगी? नहीं पता नहीं था, लेकिन बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। देखिए कुछ और भी रियल हीरोज हैं, आप कहाँ से आए? नागपुर से। तो आप पहले से तय थी शादी? कब हुई मुलाकात? कब हुई थी? 8 साल पहले हुई थी। कितना पहले? 8 साल पहले। तो आज शादी हो पा रही है? हाँ। आप दुल्हनिया को लेने कितने देर पहुंचेंगे? अभी देखिए सर, आधे घंटे का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से अपनी दुल्हनिया के इंतजार का। और फिर से एक बार सेलिब्रेशन का माहौल आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। फिलहाल बारात छत्तीसगढ़ के, मैं चाहता हूं कि आपने दूल्हों से तो रूबरू यहां पर करा दिया पूरे प्रदेश देश की जनता को, लेकिन जो बराती हैं, जो दूल्हों के साथ में या फिर परिजन जो उनके साथ में यहाँ पर आए, अगर उनसे अगर बात हो पाती और किस तरह से समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और आगे वो क्या संदेश देना चाहते हैं तो और अच्छा होता। बिल्कुल। देखिए मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम आप किसी के परिवार से हैं? नहीं नहीं, परिवार से नहीं है। मैं महाराष्ट्र से आई हूं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से। और इनका जो मतलब समुदाय है LGBTQ का, वो प्रोग्राम हमारे महाविद्यालय में हम हमेशा लेते हैं, तो उसी तहत उनके जो अन्याय है, उनके जो अधिकार है, उन पे हम हमेशा बात करते हैं, तो उनसे हमारे संबंध है, तो उन्होंने हमें बुलाया। कौन से विश्वविद्यालय से आई हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र से। हमारी पूरी इंटायर टीम भी आई है यहाँ पे और सभी शरीक हुए आज। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके मतलब जैसे ये किसी की शादी में जाके नाचते हैं गाते हैं, आज उनके शादी में हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, तो इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। कुछ महिलाएं भी है। मैडम कितना अच्छा लग रहा है आज आप शादी में सम्मिलित हो रही है? अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया लग रहा है। मेरे बेटी दामाद है। आपकी? हाँ बेटी दामाद है। आपकी बेटी दामाद? हाँ। तो आज आपको लगता है समाज अब बदल रहा है? इस तरह से समाज बदलना चाहिए समाज को, और कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। समाज बदलेगा तब इंसान बदलेगा, समझे? हाँ। कहाँ से आए आप?
मंगाऊ कहाँ से? दुर्ग से आए। नाती दामाद ये नाती दामाद है, देखिए इनका जिनसे हमने बात करी, इनके दामाद जी हैं। दामाद जी कितनी खुशी हो रही है आपको? मतलब अगर किलो और मीटर और उसमें बताते तो जरूर बता सकता था, मतलब कोई सीमा नहीं है। सीमा ही नहीं है, बहुत शानदार। देखिए कुछ और भी बाराती हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा जो बहुत दूर दूर से इस बारात में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, और शायद ये बहुत अलग तरह का माहौल है। मैं कुछ कोशिश करता हूं बातचीत करने की। आप कहां से आई हैं? मैं रायपुर से ही आई। कैसा लग रहा है इनकी शादी में शामिल? बहुत बढ़िया लग रहा है, चलिए हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, हमको भी उनकी खुशियों में शामिल। आप गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से आई हैं? यस सर, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। पहली बार सर विश्व में पहली बार किन्नर लोग का सफल विवाह होने जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, एक सामाजिक क्रांति हमारे समाज में आ रही है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। शायद एक बहुत वृद्ध हैं जिनके पास में जाने, जिनकी बिटिया का विवाह हो रहा है, और कल रात में मैंने देखा था कि काफी डांस किया था उन्होंने, आज भी उनसे मुलाकात करने की कोशिश करता हूँ। हमने वादे किया था कोई दिन इन लोग हेल्प करूंगा, उसी लिए हम आया। थोड़ा सा डांस करके बताओ। आई एम फ्रॉम कलकत्ता, माय नेम इज ओमकट रोड। ठीक, चलिए। दो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि ऐसा पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बाराती जमकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, बारात से सीधे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से, कोई गुजरात से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, और रायपुर में ये पूरा हो रहा है जहाँ 15 किन्नर अब शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। रायपुर से बदलाव की ये बयान बह रही है, और ये शुरुआत है, ये सिर्फ आगाज है, आगे और भी ऐसे कार्यक्रम कराने की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग बाग मौजूद हैं, और जिस तरह से जोश जज्बा खुशी यहाँ पर देखी जा सकती है, और बकायदा शादी से पहले बारात से पहले जैसे मेहंदी संगीत आम लोगों के यहाँ होता है, वैसे यहाँ पर भी मेहंदी संगीत हुआ जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए किन्नरों ने जमकर डांस किया, मस्ती की, और जो लोग शादी के बंधन में यहाँ पर बंधने जा रहे हैं उनके वैवाहिक जीवन की लिए शुभकामनाएं भी यहाँ पर दी। आदित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, मैं चाहता हूं यहां पर आप जो संस्थापक हैं या फिर जो भी लोग यहां पर आयोजन करता है या फिर जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे पूछे, ये तो एक शुरुआत है, ये एक आगाज है, अभी 15 किन्नर वैवाहिक जीवन व्यतीत करने जा रहे हैं, आगे भी इस तरह के कुछ कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है? ये 15 लोग हैं ठीक है, लेकिन आगे भी बहुत से किन्नर हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसे ही कार्यक्रम? बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूं जो इनकी आयोजक हैं। पहली बार इतना बड़ा आयोजन हुआ है, आगे भी क्या इसी प्रकार का, क्योंकि आप कर सकते हैं ऐसा उम्मीद लगती है, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज है। आगाज की धूम कहां तक जाती है ये देखने के बाद बताएंगे, फिलहाल तो आज इसका आप लोग आनंद लीजिए। कितनी तैयारियां लगी थी जब पहले जब शुरू किए थे तो ये लग रहा था कि बहुत बड़ा चैलेंज है ये, तो ये आपको देख के क्या लगता है ये सच में विश्व के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है? आप भी शामिल हो रही, किस तरह से देखती हैं इस पूरे आयोजन? बहुत ही एक अनूठा कार्यक्रम है, मतलब छत्तीसगढ़ के पूरा वर्ल्ड के लिए इतिहास बन जाएगा जो ऐसे शादियाँ हो रहा है।
ऐसी शादी में, ऐसे तो बहुत शादी में हमने शामिल हुए, लेकिन इस शादी में एक्सक्लूसिव एक्सप्रेशन हो रहा है। देखिए, इनकी जो मेन यहाँ पर जो आयोजक हैं उनसे भी मैं बात कराने की कोशिश करूँगा आपको, मैं उनके पास लिए चलता हूँ, क्योंकि अगर वाकई में इस पूरी शादी में किसी ने मेहनत की है तो खुद किन्नर है विद्या, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उनसे मैं ज़रूर यहाँ पर आपकी बात कराने की कोशिश करूँगा। आगे अंजाम कहां तक जाएगा? ये प्यार है और जिंदगी भर जाएगा और एक रिश्ता बन रहा है, हम समाज के भीतर जा रहे हैं। क्या लग रहा है यहां पर कि ये पूरी आगे चलकर आप कहां तक लेकर जाएंगे? ये देखिए, कहीं ना कहीं इसे दोनों लड़के के जो रिश्तेदार हैं उनका भी सोच में परिवर्तन आएगा और समाज की भी जो धारणा है वो भी बदलेगी। और लोग तो 4-5 साल से लिविंग रिलेशन में थे ही, अब उनके रिश्तों को एक मजबूती मिल गया, शादी का बंधन मिल गया। विद्या जी, एक बहुत शानदार दूल्हा मैंने देखा जिसने एक बच्ची को गोद भी लिया है, क्या कहानी है उसकी? दरअसल वो लोग एक पूरा परिवार चाहते थे और एक परिवार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो कपल है अगर बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो परिवार पूरा होता है, तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और ये बाकी लोग को भी करना चाहिए कि जिनके घर में अगर बच्चे नहीं हैं या एक बच्चे हैं या वो सक्षम है तो वो दूसरे बच्चों को भी गोद दे। किन्नरों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए हर समय लड़ते मैंने आपको देखा है, आज से नहीं 10 साल से देख रहा हूँ लगातार, अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम वापस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब हमको रिकॉग्निशन मिल रहा पा रहा है। बिल्कुल सही है, शादी बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब तक हम सड़क पे थे, हमें सिर्फ किन्नर, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर इस तरह से बोला जाता था, पुकारा जाता था। इस रिश्ते में बनने के बाद से कहीं ना कहीं लोग हमें भाभी या बहू या बेटी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। यही सुनने के लिए कान तरस गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कान तरस गए थे। थैंक यू। देखिए, ये थी विद्या जी जो खुद थर्ड जेंडर कम्युनिटी से हैं और मैंने उनको पिछले 10 सालों से लगातार मेहनत करते। बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक पल है जिसका गवाह बनने के लिए तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग मौजूद हुए हैं, किन्नर भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं और 15 किन्नर वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक बंधन में यहाँ पर बनने जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये आगाज है, अंजाम आगे और भी देखने को मिलेगा।